अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टिकू बाब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों का एजी वैसा का पिन ब्लॉक हो चुका है, अगर आप लोगों ने गलत पिन कोड इंटर किया है और अभी आप लोगों का एजी पैसा का पिन ब्लॉक हो गया है, तो आप लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एजी पैसा ऐप ओपन किया है। सो यहाँ पे मैंने जो है ना गलत पिन कोड इंटर किया था। जब आप लोग 3 या 4 बार गलत पिन कोड इंटर करते हैं तो आप लोगों का जो पिन है एजी पैसा अकाउंट का, वो ब्लॉक हो जाता है। सो आप लोगों ने इसको किस तरह सेट करना है, सो आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। सो दोस्तों, ऐसी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपना एजी पैसा ऐप ओपन किया करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आप लोगों का जो पिन है वो ब्लॉक हो चुका होगा, तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रीसेट पिन का, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोगों का जो एजी पैसा अकाउंट है वो जिस शनाख्ती कार्ड पर बना है, वो शनाख्ती कार्ड का नंबर आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करना है। सो यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे छोटा सा जो एरो है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो दोस्तों, अभी आप लोगों का एजी पैसा अकाउंट जिस मोबाइल नंबर पर बना हुआ है उसी के ऊपर ओटीपी कोड आ जाएगा। सो आप लोगों का जो नंबर है जिसके ऊपर एजी पैसा अकाउंट है, वो आप लोगों के मोबाइल में होना चाहिए। ओके, अगर आप लोगों का नंबर आप लोगों के मोबाइल में नहीं है तो ये मसला होगा, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ओके, सो आप लोगों ने नंबर को इसी मोबाइल में रखना है। ओके, सो दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा कि जैसा ओटीपी कोड आ गया तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल चुका है 5 डिजिट पिन कोड क्रिएट करने का। सो अभी हम न्यू एक नया पिन कोड अपने एच बी सी अकाउंट के लिए बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं एक नया पिन कोड अपने एच बी सी अकाउंट के लिए बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। दोबारा आप लोगों ने सेम, ओके, जिस तरह आप लोगों ने ऊपर पिन कोड इंटर किया वैसा ही आप लोगों ने नीचे भी एंटर करना है सेम। ओके, सो दोस्तों, दोबारा पिन कोड इंटर करने के बाद नीचे आप लोगों ने एक छोटा सा जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिन सक्सेसफुली चेंज। सो हमारा जो एच डी पी एस अकाउंट है वो आप लोगों के सामने जो है ना लॉगिन हो चुका है। ओके, अभी हमने जो पिन कोड रखा है, ओके, ये हमारा न्यू पिन कोड है, जब भी हम लॉगिन करेंगे तो ये पिन कोड एंटर करेंगे। ओके, सो दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर लगता है। ओके, और आपका जो एच डी पी एस अकाउंट जिस मोबाइल नंबर पर बना है उसकी ज़रूरत होती है। ओके, यानी एक आई डी कार्ड नंबर की और दूसरा आपका जो मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आपका एच पी सी अकाउंट है, सो इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, और आप लोग देख सकते हैं हमारे अकाउंट का जो पिन कोड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक दें। चैनल पर नए बार आए सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।